आप लोगों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य है कि आप सभी स्टूडेंट्स को जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसमें जो प्रमोशन आपको मिला है उसमें क्लासेस स्टार्ट हो और इस मुश्किल घड़ी में भी, जो कोरोना का जो मुश्किल घड़ी चल रही है उसमें भी हम लोग अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें, इसके लिए विश्वविद्यालय ने प्रयास किया है कि आपको जो है घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से आपकी क्लासेस हों। आप लोग देख सकते हो कि प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है और इसमें काफ़ी फीचर्स अवेलेबल हैं और वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी किसी भी चैट प्लेटफॉर्म से काफ़ी कई गुना अच्छी है, तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा क्लासरूम के हिसाब से। इसमें और भी फीचर्स हैं, पोल का ऑप्शन है, साथ में व्हाइट बोर्ड हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें खुद हम लोग लिख सकते हैं, पीपीटीज, पीडीएफ, ये सब जो चीज़ें हैं शेयर हो सकती है, और इस तरीके से जो है कोई भी जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम है उसमें जितने टूल्स लगते हैं वो सभी चीज़ें इसमें अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। स्वागत के साथ साथ आप लोगों को मैं ये भी बताऊं कि LLB थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में जो स्टूडेंट हैं अब उनके लिए और चैलेंजिंग होगा, क्योंकि अब आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हो तो आगे बढ़ने के साथ साथ हमको सब्जेक्ट में कमांड भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम जब तक सब्जेक्ट में कमांड नहीं बनाएंगे तब तक हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। क्योंकि LLB किए हुए बहुत लोग होंगे लेकिन LLB के साथ नॉलेज रखने वाले बहुत कम लोग ही अवेलेबल हैं मार्केट में, जिनको जिनको काफ़ी प्रसिद्धि मिलती है और जिनको काफ़ी जिनका नाम होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी स्टूडेंट जो हैं सब्जेक्ट कमांड को अच्छा करें। मैं देख रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ना, और उसके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, लॉ ऑफ टॉट्स हैं, इस टाइप के जो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे, तो बेटर है कि हम वो सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ें ताकि, और टीचर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, ऑनलाइन मोड में आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी पढ़ने के लिए और टीचर्स भी आपके साथ बिल्कुल लगे रहेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको भी उनका पूरा एक्सेल करना है, उनसे पूरा सीखना है, जो डाउट है वो डिस्कस करना है, तो इस तरीके से आपका भी सहयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक है इस जो लर्निंग प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए। और आपका जो करियर जो आपने प्लान किया था जिसके लिए आपने LLB ज्वाइन किया, अब उसके लिए सीरियस होने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया वैसे ही थर्ड भी निकल जाएगा, ऐसा ना सोचें, क्योंकि आपको अपना जो फ्यूचर है आने वाले 40 साल 50 साल आपकी ज़िंदगी में जो होंगे उसमें उसको लेके चलना है, तो आप जितना अच्छा पढ़ेंगे तो आप अपने साथ साथ अपने समाज और अपने विश्वविद्यालय का नाम भी रोशन करेंगे। तो आवश्यक है कि आप जो है अपना करियर में, जैसे कई स्टूडेंट LLB के बाद CJ CJ का जो एग्ज़ाम होता है, चीफ जस्टिस का जो एग्ज़ाम होता है, और भी लॉ के जो पोस्ट निकलते हैं वो सब के लिए तैयारी करते हैं, कई लोग LLM भी प्रेफर करते हैं, आगे LLM के लिए तैयारी करते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में जिनको जाना है, आप जानते हो कि टीचिंग में भी काफ़ी लॉ फैकल्टीज़ की बहुत दिक्कत होती है, अच्छे पढ़े लिखे जो LLM किए हुए या फिर आपका PhD किए हुए लोग नहीं मिलते हैं, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं और अच्छे विश्वविद्यालय में काफ़ी अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर भी उनको दिया जाता है, तो इस तरीके से बहुत सारे करियर प्रॉस्पेक्टिव हैं। तो उसमें से जो भी आपने चॉइस किया है अब उसके लिए आप सीरियस हो जाइए, अब उसके लिए तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई ऐसे काम में हम बिजी हैं जिसके कारण हम सबसे इम्पोर्टेंट काम पढ़ाई को पीछे कर दिए हैं तो आपको आने वाले समय में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यही पढ़ाई के लिए फिर आप कहीं कोचिंग लेंगे, कहीं पर ड्रॉप लेना पड़ेगा आपको, या फिर आप सक्सेस नहीं पा पाएंगे। तो बेहतर होगा कि हम लोग अभी से जो है अपने लक्ष्य के प्रति सजग हो जाएं, सीरियस हो जाएं, और इसी सेशन से हम लोग वापस बैकअप करें, क्योंकि हमको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस होंगी और ऑनलाइन क्लासेस में जितना अच्छा इंटरेक्शन होगा, जो भी डाउट होगा वो आप डिस्कस कर सकते हैं, तो वो सबसे जो है आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और
जैसा कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हम जो पूरा जो समय है, आगे का जो समय है, 1 साल या 2 साल जिनका बचा हुआ है अभी, उस समय में हमको अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाना है, ताकि कोर्स ख़त्म होते ही आपके पास जो टारगेट है आपका वो क्लियर हो जाए। अदरवाइज फिर से उस टारगेट के लिए फिर आप ड्रॉप लोगे या कुछ और करोगे, तो उससे बजाय अभी से आप लोग साथ साथ तैयारी करें। टीचर्स काफ़ी हेल्प करेंगे आपका। आफरीन मैडम अभी ज्वाइन किए हैं हमारे यहाँ पर, कमलेश बिशेन जी आप जानते ही हैं कि बहुत पुराने टीचर हैं हमारे, अनुभवी टीचर हैं, और उनका PhD भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म में चल रहा है, और एक तरीके से वो रिसर्च का भी काफ़ी जानकारी रखते हैं। तो हमको टीचर्स का एक तरीके से उनके एक्सपर्टीज़ का यूज़ करना है, उनकी अच्छाई उनके गुण को हमको ग्रहण करना है, तभी हम जो है एक अच्छा एकेडमिक्स सीख पाएंगे। तो मेरी यही शुभकामना है कि आप लोग अच्छे से इस क्लासेस को करें। डेली अटेंडेंस मैंडेटरी है, टीचर्स को आप अटेंडेंस देंगे, क्लासेस डेली होंगी, टीचर्स हर क्लास आपका लेंगे, और एकेडमिक्स से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो हम आपके लिए बिल्कुल साथ खड़े हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन में काफ़ी अच्छा आप लोगों से सहयोग मिलेगा टीचिंग एंड लर्निंग में, और लॉ के जो स्टूडेंट हैं उनको मूट कोर्ट, अभी ऑनलाइन मूट कोर्ट्स का भी हम आयोजन करेंगे, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन जो होगा, जिसमें आप ही लोग को जो है मिलजुल कर उसमें अच्छे से कंडक्ट कराना है। तो ये सब की जानकारी जो है कमलेश बिशेन जी देंगे। तो फिर से एक बार मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ, और अच्छे से पढ़ने और विश्वविद्यालय का नाम और आगे बढ़ाने के लिए आपको आह्वान करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।